केजरीवाल देखिए वो वादे करते हैं और वादे करके ना वो फिर मुकर जाते हैं, हमने देखा है उनको 10 सालों में काम करते हैं वो, लेकिन वो जो एक बोतल फ्री मैंने देखा है लोगों को पीते हुए। राम मंदिर आया है तो उस हिसाब से इस बार 400 पार होगा ही होगा और कोई टक्कर में नहीं है नेशनल अगर देखा जाए वोट। बाकी दिल्ली में केजरीवाल अभी जीतेगा क्योंकि वो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, तो उनके काम अच्छे हैं औरों के मुकाबले। कुछ फ्री ना देना क्योंकि फ्री दोगे तो सब कुछ बेकार है। हाँ, देश डूबेगा इससे भी, कर्जे में आएगा और ज़्यादा। बीजेपी युवाओं के लिए नहीं पर देश के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर रही है, देश की धरती से जुड़ के काम कर रही है जो बीजेपी है। जैसे उन्होंने रोड्स इतने डेवलप कर रही है, वो एम्स बना रही है और वो जॉब। कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी कांग्रेस के जी। कौन है? जो मुद्दे हैं जैसे कि बड़े बड़े मुद्दे थे 370 थे और इस तरह के जिसको कि सॉल्व कर पाए, 50-60 साल से हमारे मुद्दे भटके हुए थे, कोई गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर पा रही थी। लोकसभा चुनाव 2024 की आहट तो आप सुन ही रहे होंगे और आप ये भी देख सकते हैं कि इस वक्त श्रेष्ठ भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई है। हम लोग इस वक्त बस में मौजूद है जहाँ पर जनता का मूड आखिर क्या है चुनावों को लेकर ये जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। जनता के पास क्या मुद्दे हैं कि जिसके आधार पर अब की बार जनता जो है वो वोट डालेगी, ये तमाम मुद्दे हैं उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग बस में इस वक्त मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राम कुमार। क्या करते हैं? प्राइवेट सर्विस। 24 में अब चुनाव है, क्या लग रहा है किसकी सरकार जनता चाहती है, किसने काम अच्छा किया? अब पता नहीं जी सरकार किसकी आए क्या है, हमें तो पता नहीं इस मामले में। क्यों, सरकार ने जनता के लिए कोई काम नहीं किया क्या? अब काम क्या, सभी ऐसा ही हो रहा सबका, सब अपना अपना काम कर रहे हैं जी। अच्छा। क्या नाम है आपका? सुशांत। कहाँ से आ रहे हैं? कॉलेज से। कॉलेज से आ रहे हैं? स्टूडेंट हैं आप अभी? वोट तो डालते होंगे? क्या लग रहा है आपकी बार हवा गाएं? स्टूडेंट्स के लिए क्या किया है, युवा देश का युवा के लिए क्या किया है? देश के लिए युवा के लिए ये किया गया है बेसिकली, उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले गए हैं, फीस कम है और अच्छी एजुकेशन है, गवर्नमेंट स्कूल होना। क्या चाहते हैं आपकी बार, किसकी सरकार है? केजरीवाल। केजरीवाल दिल्ली में, केजरीवाल तो जेल में है अभी और 15 अप्रैल तक जेल में रहने वाले हैं। तो क्या हुआ, दिल में तो है केजरीवाल, जेल से सरकार चलाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, प्रधानमंत्री पद पर किसको देखते हैं? केजरीवाल को ही। अच्छा काम करेंगे, मोदी जी अभी अच्छा काम नहीं कर रहे? कर रहे हैं, पर उनसे भी बेटर करेंगे। उनसे भी बेहतर करेंगे, मतलब टक्कर में अगर कोई है तो केजरीवाल है। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? क्या लग रहा है आपके बार, वोट किसको करेंगे आप? मैं केजरीवाल। केजरीवाल को करेंगे? क्यों? बस मन है मेरा। अच्छा, मोदी जी नहीं है क्या टक्कर में उनके? नहीं। चलिए आप बताइए क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। हाँ, अरविंद कुमार। क्या करते हैं आप? हम तो मजदूरी करते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपके बार, हवा कहाँ है चुनाव है? अभी तो कोई नहीं है। अच्छा, मोदी जी के बारे में कुछ जानते हैं, कैसा काम कर रहे हैं मोदी? बढ़िया कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं, सही। केजरीवाल? केजरीवाल भी दिल्ली के लिए सही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद पर किसको देखते हैं? अभी तो जिस हिसाब से चल रहा है तो नरेंद्र मोदी जी। आप किसको वोट डालेंगे? जब चुनाव होगा तो देखा जाएगा। अच्छा, चलिए। क्या नाम है जी? क्या लगता है आपके बार, किसको वोटिंग कर वोट करेंगे आप? केजरीवाल। केजरीवाल को? क्यों, क्या काम कर रहा है ऐसा केजरीवाल? अच्छा, ये महिला है और एक बस में बैठी है, महिलाओं के लिए बस फ्री है इसलिए वोट करेंगी। चलिए, आप क्या करती है मैम? पीछे हो जाइए थोड़ा सा ना, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करती है? जॉब करती हूं। क्या लगता है आपके बार, आप किसको वोट करेंगे? केजरीवाल। प्रधानमंत्री पद पर मतलब आप केजरीवाल को देखती हैं? हाँ, देखना चाहूँगी, क्यों, इंडिया में बहुत ज़्यादा काम भी किया है, लेडीज़ों के लिए सुविधा की है, काफ़ी अच्छा काम किया है, तो केजरीवाल को। मोदी जी ने कैसा काम किया है, उनके बारे में क्या ख्याल है? मोदी जी ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन मैं केजरीवाल को। अच्छा, प्रधानमंत्री पद पर आप केजरीवाल को देखती हैं, मोदी जी को? केजरीवाल। सर, आपका क्या ख्याल है? मेरे साथ मोदी जी। मोदी जी क्यों? उनके काम अच्छे हैं औरों के मुकाबले। कुछ फ्री ना देना क्योंकि फ्री दोगे तो सब कुछ बेकार है। अच्छा। हाँ, देश डूबेगा इससे भी, कर्जे में आएगा और ज्यादा, इस वजह से मोदी जी। मतलब बीजेपी को वोट देंगे आप? जी। टक्कर में है कोई बीजेपी के? नहीं नहीं है।
बोलिए मैडम, तो होने से क्या होता है, उनके टक्कर में सारी पार्टी एक साथ हो जाती है, फिर भी देखो बीजेपी आ जाती है अभी तक, आगे भी बीजेपी आएगी। राहुल गांधी आ सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, वो है ही नहीं टक्कर में, उन पर कुछ हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है, चलते हैं। अंकल जी क्या करते हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? वाह साहब बेटे, चंडीगढ़ की तरफ से आए। क्या लग रहा है, चंडीगढ़ में काम सही हो रहा है? नहीं हम तो यहीं रहते हैं, नहीं वहीं रहते हैं। नहीं। क्या लगता है आपके बार किसको वोट डालेंगे, मोदी जी को वोट डालेंगे? 100% मोदी जीतेंगे। क्यों मोदी जी क्यों जीतेंगे, क्या काम कर रहे हैं मोदी? मोदी हर सुविधाएं बढ़िया दे रहे हैं। केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है? हमारे पास केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है? हम यहाँ रहने वाले ने हमें क्या पता। चलो ठीक है, थोड़ा युवाओं से बातचीत करते हैं। ये दो स्टूडेंट्स, आई गेस स्टूडेंट्स ही है ना? यस हम स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं हम कॉलेज में। तो वोट डालते हैं? हाँ जी वोट डालते हैं। हम किसको डालते हैं? हम वोट जी बीजेपी को डालते हैं। हाँ जी बीजेपी को वोट डाल रहे हैं, क्यों? युवाओं के लिए क्या कर रही है ऐसा बीजेपी? युवाओं के लिए नहीं पर देश के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर रही है, देश की धरती से जुड़ के काम कर रही है जो बीजेपी है। जैसे उन्होंने रोड्स इतने डेवलप कर रही है, वो एम्स बना रही है, और वो जॉब्स भी प्रोवाइड करने का ट्राई कर रही है। टेस्ला की जैसे डील उन्होंने इंडिया में चालू करी लाने का सेंटर, पर अभी नहीं आया पर आ जाएगा जल्दी। और अभी चिपसेट का सेंटर चालू है, हम जैसे टेक्निकल फील्ड से आते हैं तो चिप्स जो है वो देश में बनना चालू होगी। तो मेरे को लगता है बीजेपी देश के लिए बहुत आगे काम कर रही है, GDP बढ़ के लिए, और इस बार तो 400 पार हो गई। अरे क्या बात है, सही कह रहे हैं आपके मित्र जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 400 पार कर पाएगी आपकी बार बीजेपी? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। भगवान राम का भी सपोर्ट पूरा है। अच्छा। राम मंदिर आया है तो उस हिसाब से इस बार 400 पार होगा ही होगा, और कोई टक्कर में नहीं है नेशनल अगर देखा जाए वोट। बाकी दिल्ली में केजरीवाल अभी जीतेगा क्योंकि वो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, और लगता है ज़्यादा सपोर्ट उन्हें मिलेगा, वो थोड़ा सा रोहिंग्यास को भी सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी हाँ यही हमारा। क्या करते हैं आप भी स्टूडेंट हैं? यस मैम, मैं भी स्टूडेंट हूं, मैं MCA सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर तो करते हैं। हाँ जी। क्या लग रही है आपकी बार हवा का है? हवा तो इस बार बीजेपी की लग रही है दिल्ली में, जहां तक मुझे लगता है। बीजेपी को जनता क्यों वोट देगी? क्योंकि आई थिंक उन्होंने काम ऐसा करा है कि उनको वोट मिलना चाहिए। जैसे रिसेंटली राम मंदिर बनवाया उन्होंने, तो काफ़ी मतलब हवा है उस तरफ की, लहर है। हाँ जी ये है देश के युवा। क्या करते हैं? मैं भल का काम करता हूँ। क्या लग रहा है आपकी बार बीजेपी आएगी? आपकी बार बीजेपी आएगी। क्यों आएगी? बीजेपी अच्छा काम कर रही है। क्या काम कर रहा है आपकी? ये तो मतलब सबके लिए बढ़िया काम कर रही है। चलिए ठीक है, आप लोग भी स्टूडेंट्स हैं, क्या करते हैं? जी मैं BCA कर रहा हूँ। क्या लग रहा है आपकी बार इलेक्शंस में, वोट तो डालते ही होंगे? जी ऑब्वियसली मोदी जी आएंगे, उनके अलावा कोई है नहीं प्रधानमंत्री के रूप में किसी को। आप बताओ प्रधानमंत्री के रूप में कोई चेहरा है? देखिए आप तो इतना दुखी होके मुझे बता रहे हैं कि चले ऑब्वियसली बीजेपी आएंगे, खुश होके बोल रहे हैं या दुख? खुश होके, ऑब्वियसली खुश होके बोल रहा हूँ, बीजेपी से बढ़िया पार्टी इस टाइम 2024 के चुनाव में फॉर PM बीजेपी से बढ़िया मेरे को नहीं लगता कोई है। राहुल गांधी को मानते हैं टक्कर में? वो तो कहते हैं कि युवाओं के लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे अगर हमारी एक बार सरकार बनती है। कौन राहुल गांधी? राहुल गांधी कांग्रेस के जी। कौन है वो? मैं नहीं जानता हूँ। नहीं जानते? एक्सप्रेशंस बहुत कुछ बता रहे हैं लेकिन आपके। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं जी। कहाँ से आ रहे हैं अभी? अभी तो यहीं संत नगर। जॉब पे जा रहे हैं? जॉब से जा रहे हैं, इवनिंग शिफ्ट है हमारा। इवनिंग शिफ्ट है? हाँ। बड़ी दुखद जिंदगी चल रही है जॉब तो पार्ट है लाइफ का। अच्छा क्या लग रहा है हवा कहाँ है? ऑब्वियसली बीजेपी आएगी, NDA गवर्नमेंट ही आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? काम अच्छा हो रहा है, एक सशक्त लीडर है, इंटरनेशनली अच्छा है, और लीडरशिप अच्छा है उनका, कंपेरेटिव में और कोई लीडरशिप अभी है नहीं। तो ये टक्कर के होने चाहिए ना कि आप कर पाएंगे या फिर डिसीजन ले पाएँ। जो मुद्दे हैं जैसे कि बड़े बड़े मुद्दे थे 370 थे और इस तरह के, जिसको कि सॉल्व कर पाएँ। 50-60 साल से हमारे मुद्दे भटके हुए थे, कोई गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर पा रही थी। कांग्रेस पे निशाना साध रहे हैं? नहीं कांग्रेस के लिए तो हैं, अच्छे हैं, वो करते हैं अच्छे, आज तक तो देश में अच्छा बहुत कुछ हुआ है उनके द्वारा किया गया है, लेकिन अभी नहीं है। अभी कंपेरेटिव होता है ना कि यहाँ मोदी जी के कंपेरिजन में कौन है, तो अभी कोई है नहीं। राहुल गांधी भी नहीं?
राहुल गांधी हैं, मेहनत कर रहे हैं भविष्य के लिए हैं, लेकिन 24 के लिए नहीं है वो। नहीं कर रहे हैं मेहनत, अगर इस तरह से करते रहें तो भविष्य में अच्छा लीडर बनेंगे वो। हाँ केजरीवाल, केजरीवाल देखिए वो वादे करते हैं और वादे करके ना वो फिर मुकर जाते हैं, हमने देखा है उनको 10 सालों में। काम करते हैं वो, लेकिन वो जो एक बोतल फ्री मैंने देखा है लोगों को पीते हुए, कितने की ज़िंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। हो सकता कुछ अच्छे भी काम किए होंगे, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा गलत ये था ये डिसीजन खास करके बिहार के। हाँ हाँ बिल्कुल पता भी लग रहा है। हाँ हम तो चेंज नहीं करते अपना जो। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है फिर? नीतीश कुमार अच्छे थे, बट अभी वो पॉलिटिकली थोड़ा डाइवर्ट हो गए हैं, तो वो कर नहीं पा रहे हैं, अब क्षमता उनमें थोड़ा कम हो गया है। बाकी अच्छे लीडर हैं तो, लेकिन बीजेपी में आते हैं। हाँ है तो वही तो बदल पाते हैं ना, कि आप किसी एक पर स्टैंड पे क्लियर रहिए कि क्या आपका स्टैंड है। पता कि लीडर अच्छे थे, लेकिन अभी वो इधर से उधर उधर से उधर, मतलब चीज़ ना अपनी बातों पे रह नहीं पाते हैं या डिसीजन अच्छा नहीं ले पाते हैं। अच्छे थे लीडर। आंटी आपको क्या लगता है आपकी बार किसकी हवा है, कौन आएगा? तो मोदी के लिए बता रहे, मोदी आएगा, मोदी सरकार। मोदी जी क्यों आएंगे, क्या काम करा है ऐसा मोदी जी? बहुत कुछ करा है उन्होंने, तो गरीबों की भी मतलब राशन भी फ्री में दे रहे हैं। अच्छा इसलिए मोदी जाएंगे, केजरीवाल नहीं आएंगे? केजरीवाल ने भी बहुत कुछ करा, हम तो कह रहे केजरीवाल भी आ जाए, क्योंकि वो बस भी फ्री चला रहे, लाइट भी फ्री है, पानी भी है, बिल भी, वो भी सही है अपनी जगह पे। तो देखिए लोकसभा चुनावों की हुंकार जो है वो जनता भरती हुई लगातार नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो से श्रेष्ठ भारत की ये रिपोर्ट है और आप देख सकते हैं कि जनता का जो दिल है, उनका जो रुझान है वो किसकी तरफ है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप श्रेष्ठ भारत जरूर देखते रहिए। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।